नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार पुनः टाइप तालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में। मैं गौरव निरंजन, आपको राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक बनाने के लिए आपके सामने एक बार से पुनः उपस्थित हूं। आलोक सर और रवि सर के कुशल निर्देशन में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसको आप लोग CTET के नाम से जानते हैं, उसके लिए बैच प्रारंभ किया जा रहा है। और इस बैच में मैं आपको पर्यावरण के साथ साथ पेडागोजी का पोर्शन कराऊंगा। इसके पहले आपको मेरा एक लेक्चर मिला होगा, जिसमें मैंने आपको पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक परिवार समझाया था, और उसी के आगे एक आज मैं एक नया टॉपिक पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है पर्यावरण एवं पेडागोजी। ये शिक्षण वाला पोर्शन है, और शिक्षण वाले पोर्शन से हमारा जो आयोग है CTET के एग्जाम में, वो 15 प्रश्न यहां से आपसे पूछता है, और इन 15 प्रश्नों में वह यह तराशने की कोशिश करता है कि आप एक शिक्षक बनने के लिए तैयार हैं या नहीं है। अमूमन आप लोग देखा जाए तो पेडागोजी को लेकर बहुत ज्यादा आप लोग नर्वस रहते हैं। सर शिक्षण मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं, ऑनलाइन पढ़ाता हूं, कई बार मिल जाते हैं, सर शिक्षण को कैसे कंप्लीट किया जाए। देख, शिक्षण होता कुछ नहीं है, आपने जो अनुभव है आपका, जो अनुभव है, जो चीजें आपने सीखी हैं, उन्हीं चीजों के आधार पर आपको सिखाया जाता है। अगर यहां पर मैं एक छोटी सी आपसे एक तुलना कराता हूं, अगर मैं आपसे कहूं कि एक परीक्षा है जिसका नाम है UPTET और एक परीक्षा है CTET, एक उत्तर प्रदेश की शिक्षक पात्रता परीक्षा और दूसरी केंद्र की शिक्षक पात्रता परीक्षा, क्या दोनों के अपने सिलेबस की बात कर रहा हूं मैं, केवल पर्यावरण, क्या दोनों के सिलेबस में अंतर है? बिल्कुल अंतर है, दोनों के सिलेबस में बिल्कुल अंतर है। अगर देखा जाए तो UPTET के परीक्षा में जो EBS यानी एनवायरमेंट के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वो तथ्यात्मक प्रश्न होते हैं। क्या होते हैं? तथ्यात्मक प्रश्न होते हैं। वन दिवस कब मनाया जाता है? टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? भारत में कितने टाइगर रिजर्व क्षेत्र है? भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है? पटना नाम का राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य के अंतर्गत आता है? दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहां पर? ए क्या है? ये तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की ओर जाने पर जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए क्या है? ये तथ्यात्मक प्रश्न है, तथ्यात्मक प्रश्न है। और तथ्यात्मक प्रश्न जो होते हैं वो आप तभी कर पाएंगे जब आपको उसका कंसेप्ट मालूम होगा। तो कंसेप्ट के माध्यम से हम कई सारे क्या बना लेते हैं? तथ्य बना लेते हैं, जिनको आप लोग फैक्ट बोलते हैं। अगर हम कहें कि CTET की परीक्षा, तो यहां पर फैक्ट पूछता है आपसे, UPTET में फैक्ट और फैक्ट के साथ साथ अगर बात करें तो थोड़ी बहुत मात्रा में कंसेप्ट। लेकिन अगर हम यहां पर बात करते हैं CTET की परीक्षा में, तो यहां पर ना तो वो आपसे अमूमन ज्यादा फैक्ट पूछता है और ना ही वो आपसे कंसेप्ट पूछता है। यहां पर प्रेजेंस ऑफ माइंड देखता है वो, आपका दिमाग देखा जाता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड देखा जाता है कि किस प्रकार से आपके सामने प्रश्न आते हैं और किस प्रकार से आप उनके आंसर देते हैं। चलेगा, मैं इसी को थोड़ा सा नजरिया में बदलता हूं, और नजरिया आता है कि एक परीक्षा का नाम लिखता हूं मैं आपको, जिसका नाम है मान लीजिएगा SSC CGL। अधिकांश लोग एक परीक्षा देते हैं SSC CGL, और एक परीक्षा का नाम लिखता हूं मैं कोई भी, जैसे मान लीजिएगा किसी भी राज्य की PCS परीक्षा। क्या इन दोनों में अंतर है? बहुत अंतर है। यहां पर आपसे फैक्ट ज्यादा पूछे जाते हैं, फैक्ट, और PCS या UPSC की परीक्षा में, PCS या UPSC की परीक्षा में, ठीक ना, दोनों लिख दे रहा हूं मैं, चाहे मैं बात करूं UPPCS या UPSC, समझिएगा मैं आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं। अगर इन परीक्षाओं की बात करूं UPPCS, तो यहां पर फैक्ट का जो रेशियो है वो बहुत कम होता है, फैक्ट बहुत कम पूछे जाते हैं। यहां पर या तो आपसे कंसेप्ट पूछा जाता है, या फिर यहां पर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखा जाता है। क्या देखा जाता है? प्रेजेंस ऑफ माइंड देखा जाता है कि किस प्रकार से आपके सामने प्रश्न आते हैं और किस प्रकार से आप उनका आंसर देते हैं, किस प्रकार से आपके पास प्रश्न आते हैं और किस प्रकार से आप आंसर देते हैं। आप CTET को बिल्कुल इस प्रकार का समझिएगा, यहां पर आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड देना होता है। मान लीजिएगा मैं आपके सामने एक प्रश्न लिख रहा हूं, ये पेडागोजी है, शिक्षण आपको इसी प्रकार पढ़ना हुआ
मान लीजिएगा मैं यहां पर दो शब्द लिखूं, एक जिसका नाम है इंग्लिश में इंटरेस्ट और हिंदी में बोलते हैं रुचि, एक इंटरेस्ट और हिंदी में बोलते हैं इसको रुचि रुचि, और एक शब्द होता है जिसको इंग्लिश में इंटरेस्ट बोलते हैं, हिंदी में रुचि बोलते हैं, वैसे दूसरा शब्द और है जिसको हम एक नाम दे देते हैं और नाम दे देते हैं हॉबी। नाम क्या दे देते हैं? हॉबी। आपसे प्रश्न पूछा गया रुचि और हॉबी, यानी इंटरेस्ट और हॉबी होती क्या है? इंटरेस्ट और हॉबी अगर आपसे पूछ लिया जाए पेडागोजी है। आप एक शिक्षक बनने वाले हैं और आपको ये मालूम होना चाहिए कि रुचि क्या है और इंटरेस्ट क्या है, रुचि यानी इंटरेस्ट क्या है और हॉबी क्या है। तो आमतौर पर हम लोग कहते हैं कि सर जो रुचि है वही हॉबी होती, नहीं ऐसी बात नहीं है। रुचि एक ऐसा कार्य जिसको किए बिना हम नहीं रह सकते, रुचि इंटरेस्ट जिसको करने में हम बड़ा मजा आता है, थोड़ा भी समय मिलेगा। जैसे मोबाइल फोन, मोबाइल फोन में आप कभी मत सुनिएगा कि मोबाइल फोन हमारी हॉबी, नहीं, मोबाइल फोन चलाना हमारा इंटरेस्ट है। कई बार देखते हैं कि सिग्नल पे खड़ा है, देखा कि सिग्नल में 86 सेकंड है, तुरंत वहीं पर निकाल के अपना सॉरी मोबाइल चलाने लगते हैं, देखने लगते हैं कौन ऑनलाइन है कौन ऑफलाइन है तुरंत। तो वैसी चीजें जिनको बिना किए हुए हम नहीं रह सकते हैं, उनके लिए एक शब्द यूज किया गया और शब्द यूज किया गया इंटरेस्ट। क्या शब्द यूज किया गया? इंटरेस्ट, मेरा इंटरेस्ट है। हॉबी, हॉबी ऐसे कार्य होते हैं जिनको समय देखते हुए किया जाता है, अगर नहीं करेंगे तब भी हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं आने वाला, यदि नहीं करेंगे तब भी कोई हमारे ऊपर प्रभाव नहीं आने वाला। दूसरी बात, रुचि स्वयं के लिए की जाती है, रुचि स्वयं के लिए। कॉमिक्स पढ़ना, अगर कॉमिक्स पढ़ना, कोई व्यक्ति है जिसको कॉमिक्स पढ़ना या टॉम एंड जेरी देखना, जैसे कोई व्यक्ति है जो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल देखता है, तो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल या कॉमिक्स पढ़ना या टॉम एंड जेरी देखना उसकी रुचि है, इंटरेस्ट है उसका। आप ये नहीं कह सकते ये उसकी हॉबी है। हॉबी, हॉबी एक ऐसा क्षेत्र होता है, हॉबी एक ऐसा कार्य होता है जिसमें स्वयं के साथ साथ मानव के समाज के लिए कार्य किया जाए, मानव समाज या मानव का कल्याण किया जाए या सार्वजनिक कार्य किया जाए। संगम तट पर झाड़ू लगाना क्या है? संगम तट पर झाड़ू लगाना क्या है? संगम तट पर झाड़ू लगाना इंटरेस्ट नहीं हो सकता, हॉबी है। अगर आप वहां पर झाड़ू लगाएंगे तो वहां का क्षेत्र स्वच्छ रहेगा, और जब वहां का क्षेत्र स्वच्छ रहेगा तो वहां पर पर्यटनों की संख्या बढ़ेगी, पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, लोग बागों की भीड़ उमड़ेगी, जिस कारण कई सारे लोगों को वहां पर रोजगार मिलेगा और साथ ही साथ कोरोना वायरस से बचे रहेंगे, साथ ही साथ कोरोना वायरस से बचे रहेंगे। आ तो ये कोरोना वायरस से कई सारे ऐसे वायरस आ सकते हैं जिनको हम रोक सकते हैं, ठीक ना। आइएगा, यहां तो मैंने अभी आपको ऊपरी ऊपरी चीजें समझाई, आपका माइंड मेकअप कर रहा हूं कि किस प्रकार आपको पढ़ना है। इतनी सी बाबू मैं फिर से आप कह रहा हूं, इतना सा ध्यान दीजिएगा, भटकाव की स्थिति उत्पन्न मत होने दीजिएगा। कई सारे शिक्षण संस्थान हैं जो आपसे कहते हैं हम सीटेट का बैच चला रहे हैं, सीटेट की आपकी प्रिपरेशन करा रहे हैं, लेकिन वास्तव में प्रिपरेशन कराते हैं यूपीटीईटी की। नहीं, यूपीटीईटी और सीटेट दोनों में अंतर है। 15 नंबर का यहां पर आपका फैक्ट है, यानी 15 नंबर के आपसे प्रश्न अदर पूछे जाएंगे और 15 नंबर का आपका पेडागॉजी का सेक्शन होता है। आइएगा, तो पेडागॉजी के सेक्शन से हम प्रारंभ करते हैं। देखिएगा, ये मैंने पीडीएफ लगा रखी है यहां पर, और यहां पर कुछ चीजें हैं जिनको आपको समझना है, कुछ चीजें हैं जिनको आपको समझना है, समझिएगा। पर्यावरण शिक्षण का अर्थ, पर्यावरण शिक्षण का अर्थ समझने से पहले ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये मैंने स्वयं से आपके लिए निर्मित किया है। आपको यहां पर चीजों को समझना है कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे पर्यावरण। और दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कोई टॉपिक पढ़ा दिया उसी से प्रश्न पूछेगा, नहीं, जो आपकी सीटीईटी की परीक्षा होती है, सीटीईटी की परीक्षा होती है, उसमें तीन टॉपिकों को मिलाकर एक प्रश्न बनाते हैं, वो तीन टॉपिकों को मिलाकर एक प्रश्न बनाते हैं, वन लाइनर प्रश्न नहीं होते हैं बल्कि हटके प्रश्न होते हैं, एक दो टॉपिकों को मिलाकर एक प्रश्न बनाते हैं। कैसे प्रश्न बनाएंगे हम ये भी समझाएंगे अभी आपको। तो पर्यावरण शिक्षण का अर्थ समझने से पहले यह आवश्यक है कि हम शिक्षण शब्द का अर्थ समझें। एक प्रश्न तो ये पूछ लिया जाता, शिक्षण क्या है, शिक्षण क्या है, आप शिक्षण किसे कहेंगे? तो यहां पर देखिएगा, शिक्षण शब्द का अर्थ समझना है, या सबसे पहले हम शिक्षण अर्थ शब्द का अर्थ समझे। शिक्षण का अर्थ होता है सीखना, या शिक्षण का अर्थ होता है सिखाना या सीख देना। शिक्षण का अर्थ क्या होता है? तो शिक्षण का अर्थ होता है सिखाना या सीख देना। मैं हूं, मैं आपको शिक्षण दे रहा हूं, मैं आपको चीजों को सिखा रहा हूं, और ना केवल मैं आपको चीजों को सिखा रहा हूं बल्कि खुद भी सीख रहा हूं। कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, वो चीजों को सिखाएगा और साथ ही साथ स्वयं भी चीजों को सीखेगा,
और जब वो स्वयं चीजों को सीखेगा और अगली बार जब वो चीजों को सिखाएगा तो वो और परफेक्ट होता जाएगा, धीरे 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 परफेक्ट होता जाता है। आप लोग आमतौर पर कोचिंग पढ़ने जाते हैं, मैं भी कोचिंग पढ़ने गया था, और जब मैंने भी कोचिंग स्टार्ट की थी, आपका पहला प्रश्न क्या था, आपका पहला प्रश्न क्या होता है, आपका पहला प्रश्न होता है सर कौन कौन से टीचर हमें पढ़ाएंगे। मान लीजिएगा आपने पहला प्रश्न पूछा, वहां पर जो काउंसलर्स बैठे हैं, डायरेक्टर मैनेजर जो भी है, वो आपको बता देता है कि फला फला टीचर आपको पढ़ाएंगे। आप पहला दूसरा प्रश्न उनसे ये पूछते हैं, सर सर का एक्सपीरियंस कितना है, कितने वर्षों से पढ़ा रहे हैं। भाई आपके दिमाग में क्वेश्चन कैसे आया? आप एक्सपीरियंस इसलिए पूछते हैं क्योंकि आपको पता होगा कि अगर इसका एक्सपीरियंस, इस टीचर का एक्सपीरियंस अधिक है तो सीधी सी बात है इसने कई साल लोगों को पढ़ाया होगा, लंबे समय से पढ़ा रहा है, और लंबे समय से अगर पढ़ा रहा है तो खुद भी यह सीख गया होगा और दूसरों को यह सिखा भी रहा होगा, खुद भी सीख गया होगा और दूसरों को सिखा रहा होगा। आमतौर पर हम ऐसे टीचरों से पढ़ाना चाहते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, क्यों, इसी कारण। समझ गए बात। अगला देखिएगा, शिक्षण वह प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत अध्यापक या शिक्षक किसी विषय को छात्रों को सीखने या सिखाने और सिखाने के लिए आपके जो आपका सिलेबस है उसमें एक शब्द यूज किया जाता है अधिगम, अधिगम का प्रयास करता है, किसी भी विषय को सिखाने का वो प्रयास करता है। इस प्रक्रिया में शिक्षक छात्रों में किसी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करता है। मैंने कहा था ना अभी, क्या उत्पन्न करता है, इंटरेस्ट उत्पन्न करता है। आप के पांच सब्जेक्ट होते हैं मूलतः, पांच सब्जेक्ट होते हैं, ठीक ना, मैथ हो गया, आपका सीडीपी हो गया, आपका एनवायरमेंट हो गया, आपका हिंदी हो गया, और आप इंग्लिश या संस्कृत में से किसी को लिए रहते हैं। आपके पांच सब्जेक्ट होंगे और पांच सब्जेक्ट में से कोई ना कोई एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जो आपका फेवरेट होगा, जो आपका फेवरेट होगा, और वो सब्जेक्ट फेवरेट इसलिए है क्योंकि आप जब उसको पढ़ते हैं तो आपको मजा आता है, मजा मतलब रुचि मिलती है आपको, आपको इंटरेस्ट आता है उसमें। मेरा इंटरेस्ट एनवायरमेंट में है, किसी का इंटरेस्ट सीडीपी में होगा, सीडीपी पढ़ने में बहुत मजा आता हो, और सीडीपी पढ़ने में मजा इसलिए आ रहा है क्योंकि जो सामने आपको बंदा पढ़ा रहा है कहीं ना कहीं उसको सीडीपी बहुत अच्छी आ रही है। और एक टीचर का यह उद्देश्य होता है या टीचर का यह कर्तव्य होता है कि वह अपनी सारी की सारी चीजें बच्चों को बताए जिस कारण से बच्चों में इंटरेस्ट उत्पन्न हो। और इंटरेस्ट उत्पन्न होने से होगा क्या, इंटरेस्ट उत्पन्न होने से भीड़ बढ़ेगी, इंटरेस्ट उत्पन्न होने से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बताएगा कि यार वो टीचर है, एक गौरव नाम के टीचर है, गौरव सर नाम से एक टीचर है, ईबीएस बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, या फला टीचर है कोई सब्जेक्ट अच्छा पढ़ाते हैं, तो एक दूसरे को वार्तालाप होगी, एक दूसरे के पास कम्युनिकेशन होगा, और कम्युनिकेशन होने के बाद क्या होगी, क्लास में बच्चों की संख्या बढ़ जाएगी, और जब क्लास में बच्चों की संख्या बढ़ जाएगी तो टीचर का मनोबल बढ़ेगा, और जब टीचर का मनोबल बढ़ेगा तो वो निश्चित रूप से अच्छी अच्छी चीजें बताएगा, ना केवल उसका मनोबल बढ़ेगा बल्कि उसकी पॉकेट की आमदनी भी बढ़ेगी, उसकी आय भी बढ़ जाएगी, ठीक ना। आइएगा और क्या कह रहा है आपको, देखिए शब्द पकड़ना है, किसी विषय के प्रति क्या उत्पन्न कराना है, देखिएगा। और एक बात और, एक टीचर किसी एक विषय में ही बच्चों की रुचि दिला सकता है। कोई भी टीचर अगर आपके सम्मुख ऐसा होगा जो एक से कई सारे सब्जेक्टों को पढ़ाता होगा, कई सारे सब्जेक्ट, इलाहाबाद में कई सारे टीचर हैं जो पूरी जीएस पढ़ा लेते हैं, लेकिन वो पूरी जीएस में पारंगत नहीं होंगे, वो पूरी जीएस में पारंगत नहीं होंगे, उनका कोई एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा होगा, उनका कोई एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा होगा, और उस एक सब्जेक्ट में उनको लाइक करने वाले लोगों की संख्या भी अधिक होगी। देखिएगा क्या कह रहा है, किसी एक विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करता है, उन्हें सीखने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। किसी विषय के शिक्षण की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं, तो ये रुचि संबंधित बात थी। अब शिक्षण की क्या मुख्य बातें हो सकती हैं, शिक्षण एक बहुउद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। बहुउद्देश्यपूर्ण का मतलब क्या है कि कई सारे उद्देश्य पूर्ण हो सकते हैं, शिक्षण से सीखने से कई सारे उद्देश्य पूर्ण हो सकते हैं, स्वयं भी शिक्षित हो सकते हैं, अपने समाज को भी शिक्षित कर सकते हैं, स्वयं भी शिक्षित हो सकते हैं, अपने समाज को भी शिक्षित कर सकते हैं, अपने वातावरण को भी शिक्षित कर सकते हैं, ठीक ना। दूसरी बात, शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों हो सकता है, यानी शिक्षण से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के लाभ हो सकते हैं, दोनों प्रकार के लाभ हो सकते हैं। आपके सामने जो मैं खड़ा हूं, मैं एक असफल हूं, हमारे आलोक सर ने एक वीडियो डाला था बहुत पहले,
जब शायद हम लोग नहीं जुड़े थे सर से, बहुत पहले की बात है, और सर का वीडियो है आप देख सकते हैं। सर ने लिखा था मैं एक असफल व्यक्ति हूं, सर ने लिखा मैं एक असफल व्यक्ति हूं, और उस कमेंट में आप सर के वीडियो के नीचे कमेंट देखिएगा, उसमें कई सारे बच्चों ने लिखा सर आप असफल नहीं है बल्कि आप सफल हैं, आप दूसरों को प्रेरित करते हैं, आप दूसरों के लिए प्रेरणा है, आपको देखकर हम लोग जीते हैं, आपको देखकर हम लोग कई सारी चीजें देख रहे हैं। तो आपको देखकर मतलब प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से आप मुझसे पढ़ रहे हैं, दूर दराज के क्षेत्रों में बैठ के मुझसे पढ़ रहे होंगे, मेरी कुछ बातें होंगी जो आपको बहुत अच्छी लगती होंगी, और कई सारी ऐसी बातें होंगी जो किसी को लगता होगा नहीं नहीं ये तो सर गलत बोल रहे हैं, नहीं आपको लगता होगा लेकिन ऐसा कभी मैं बोलता नहीं हूं। तो मेरी जो बातें हैं वो आपको क्या करेंगी, मेरे प्रति इंटरेक्ट करेंगी, मेरे प्रति आकर्षित करेंगी, और जब आकर्षित करेंगी तो कहीं ना कहीं आप उनसे क्या करेंगे, सीखेंगे, तो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार से, ठीक ना, शिक्षण का एक कार्य होता है। उसके बाद शिक्षण में विभिन्न कौशलों का समावेश होता है, कौशल क्या होता है मैं बताऊंगा, इसके बाद कौशल ही आएगा, कौशलों का समावेश होता है। देखिएगा अगर मैं आपसे बात कहूं कि एक स्कूल है, इसी प्रकार के आपसे आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई एक विद्यालय है, इस विद्यालय में मान लीजिएगा 7 पीरियड लगते हैं, और 7 पीरियड में से 5 पीरियड तो सब्जेक्ट के होते हैं, मैथ का है, इंग्लिश का है, ठीक ना, इस प्रकार से, और 1 पीरियड जो होता है वो संगीत का होता है, और 1 पीरियड जो होता है वो क्रीड़ा का होता है। मैं भी जब पढ़ता था तो एक खेल का घंटा होता था विद्या भारती में, मैं पढ़ा हूं बाल भारती के स्कूलों में पढ़ा हूं, और वहां पर एक पीरियड जो है वो खेल क्रीड़ा का होता था जिसमें बच्चों को खिलाया जाता था, हम भी खेलते थे, और इस घंटे का वेट करते थे, इंतजार करते थे कि कब 7वां घंटा आएगा, वही सबसे फेवरेट होता था अधिकांश लड़कों का, क्योंकि उसमें हम लोग खेलते थे, और खेलते इसलिए थे क्योंकि हमारा उसे न केवल मानसिक बल्कि सामाजिक विकास होता था, न केवल मानसिक बल्कि हमारा शारीरिक या सामाजिक विकास होता था। जब आप पढ़ रहे होते हैं तो बाजू में आपके जो बच्चा बैठा है, जो आपके बाजू में जो विद्यार्थी बैठा है, कहीं ना कहीं आप उससे कंपटीशन कर रहे होते हैं, लेकिन खेल के मैदान में यदि वो आपकी ही पारी में है तो आप कहीं ना कहीं उससे अपनी नीतियां, अपनी रणनीति, अपनी बातें उससे साझा कर रहे होते कि भाई तू ऐसे घुमा के बॉल डालना, और जैसे ही घुमा के बॉल डालोगे ना स्पिन होके इसके विकेट से टकरा जाएगी। इस प्रकार से हम बात करते हैं दोनों के बीच क्या होता है, वार्तालाप होती है, सामाजिकरण बढ़ता है, क्या बढ़ता है, सामाजिकरण पड़ता है। जब हम खेल रहे होते हैं तो किस प्रकार से बॉल स्प्रिंग करेगी, किस प्रकार से बॉल घुमाव लेगी, ये हम किससे सोचते हैं, ये हम दिमाग से सोचते हैं, और हमें किस प्रकार का मूवमेंट करना चाहिए ये हमारे शरीर का कार्य होता है। तो शिक्षण में विभिन्न प्रकार के क्या है, कौशलों का समावेशन किया जाता है, क्रीड़ा का भी समावेशन किया जाता है, संगीत का भी समावेशन किया जाता है। बाल भारती के स्कूल, बाल भारती या आज के जो बचपन के स्कूल हैं, आप उनमें देख लीजिएगा, शनिवार को बाल भारती में जब मैं पढ़ता था 2007-08 की बात आपको बता रहा हूं, उस टाइम के पीरियड की बात बता रहा हूं, तो शनिवार बाल भारती होती थी, अंताक्षरी खेली जाती थी, गर्ल्स और बॉयज को या जूनियर को और सीनियर को बांट दिया जाता था, और कई बार हमारे उनके बीच में प्रतियोगिता होती थी, हमने कहा ए फॉर एप्पल, ए डबल पी एल ई, अगले वाले बंदे को दूसरी पारी वाले को ई से कोई मीनिंग बोलनी होती थी, इस प्रकार से होते हैं। तो इससे क्या होता है, शारीरिक विकास होता है, कई प्रकार के कौशलों को सीखते हैं, ठीक ना। उसके बाद शिक्षण कला, यही मैंने पढ़ाया अभी, कला क्या है, किस प्रकार से गेंद मूवमेंट कर रही है, किस प्रकार आप गाना गा रहे हैं, एक कला है, और कला ही क्या है, विज्ञान है। राज्यसभा का चुनाव अभी चल रहा है, आप देख रहे हैं एमपी में कमलनाथ की सरकार गिर चुकी है, राज्यसभा के लिए उन्होंने सिंधिया का नाम नॉमिनेट नहीं किया था, ठीक ना। राज्यसभा में बीजेपी की ओर से शायद रंजन गोगोई नाम के व्यक्ति को भेजा गया जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी रह चुके हैं। अगर हम आपसे बात करें कि राज्यसभा जो होती है वो उच्च सदन होता है, समझिएगा बातों को लिंक कर रहा हूं मैं, राज्यसभा जो है वो उच्च सदन होती है, 252 उसमें सदस्य होते हैं, जिसमें से 252 सदस्य होते हैं ना, 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 238 सदस्यों का निर्वाचन होता है, और 12 सदस्यों को खेल विज्ञान कला के क्षेत्र से चुना जाता है। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई सचिन तेंदुलकर को अगर चुना गया तो सचिन तेंदुलकर किस कला में माहिर है, सचिन तेंदुलकर जिस कला में माहिर है उस कला का नाम है खेल,
और खेल में कौन सा, क्रिकेट का खेल, क्रिकेट के खेल में वो माहिर है। और क्रिकेट के खेल में यदि वो माहिर है तो क्रिकेट का खेल ऐसा थोड़ी ना कि जो वो इतनी उम्र में आ गए हैं सचिन जी तब उन्हें खिलाया, बचपन से सिखाया गया होगा। क्या किया होगा, बचपन से उनको खेल सिखाया गया होगा, उनको बचपन से खेल के प्रति जागरूक किया होगा, बचपन से उन्हें क्रिकेट का शिक्षण दिया जा रहा होगा। और जब हम बचपन से शिक्षण दिया जाएगा तो सीधी सी बात है हम उस खेल में क्या हो जाएंगे, पारंगत हो जाएंगे। और दूसरी बात, जब बचपन से हम किसी चीज को सीखेंगे तो उसके प्रति हमारे मन में क्या उत्पन्न हो जाएगी, उसके प्रति हमारे मन में क्या उत्पन्न हो जाएगी, रुचि। अभी देखिएगा, अभी आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे लेकिन आप पूरा ही पैसेज पढ़ लेंगे तो आप क्वेश्चन बिल्कुल आराम से कर ले जाएंगे, क्वेश्चन बिल्कुल आराम से कर ले जाएंगे, ठीक ना। एक एक बातों को समझते रहिएगा, आइएगा। उसके बाद आता है कौशल स्किल। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा योजना चलाई गई स्किल इंडिया, क्यों चलाई गई, क्योंकि अधिकांशतः भारत में ऐसे लोग हैं कि उनके अंदर क्या खूबी है उन्हें स्वयं नहीं मालूम, उनके अंदर क्या खूबी है उन्हें स्वयं नहीं मालूम, हनुमान जी टाइप के उन्हें बताना पड़ता है, हनुमान जी टाइप को उन्हें बताना पड़ता है कि ऐसा करो ऐसा करिएगा तब होगा, ठीक ना। तो खूबी को निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा स्किल इंडिया प्रोग्राम चलाया गया, और स्किल इंडिया प्रोग्राम में कहा गया कि आपके अंदर जो गुणवत्ता है, आपके अंदर जो कला है उस कला को आपको बाहर लाना है, आपके अंदर जो कला है उस कला को क्या करना है, उस कला को आपको बाहर लाना है। तो देखिएगा कौशल क्या है, कौशल क्या है, एक कला है, कौशल वह कला है जिसमें जिससे हम किसी चीज को, हम किसी चीज को ठीक प्रकार या अच्छी तरह से करना सीखते हैं, ठीक प्रकार या अच्छी तरह से हम क्या करते हैं उसको करना चाहते हैं। ये ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है टारगेट विद आलोक, टारगेट विद आलोक ये ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है। आज आपको मैं अंदर की बातें बता रहा हूं, यहां पर सारे टीचरों को तो आप जानते ही हैं, सारे टीचरों को जानते हैं। पीसीएस में हम बाहर से भी टीचर मंगाते हैं, दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, यहां से भी टीचर आते हैं। टीचर आप केवल टीचरों से वाकिफ है, यहां पर एक मैनेजमेंट भी है जो मनोज सर के माध्यम से संभाला जाता है मैनेजमेंट, उसमें एक हमारे मनमोहन जी हैं, एक आर्यन जी हैं, मनमोहन जी और आर्यन जी ही हैं जो यहां पर हमारी और अन्य टीचरों की क्लास लगाते हैं। उनको किस चीज में महारत हासिल है, उनको उनके पास कौन सा कौशल है, उनके पास इस सिस्टम को समझने का कौशल है, उनके पास इस सिस्टम को समझने का कौशल है। एक और बंदा है जिसका नाम है बीसी, और बीसी क्या काम करता है, बीसी कार्य करता है जो मैं वीडियो बना रहा हूं, जो वीडियो बना रहा हूं कई बार मुझे खांसी आ जाती है उसको वो क्या करता है, कट पेस्ट करता है, एडिटिंग करता है। तो बीसी का कौशल किस क्षेत्र में है, एडिटिंग के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में है, एडिटिंग। और एडिटिंग का कार्य वो अच्छी तरह से करना जानता है, अच्छी तरह से करना चाहता है इसलिए वो कार्य कर रहा है। आर्यन जी या फिर मनमोहन जी जो है वो अच्छी प्रकार से सिस्टम को लगा लेते हैं। सिस्टम में कई बार आप लोगों की समस्या होती है, सर आवाज नहीं आ रही, हम उन्हें बताते हैं, बैल बजाते आते हैं, भैया देखिए इसमें आवाज नहीं आ रही है। वो कोई बार अगर मैं जाके खुद खोलूंगा कि कहां से आवाज नहीं आ रही तो शायद मैं उस प्रकार से नहीं समझ पाऊंगा। तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक कौशल होता है, कौशल एक कला होती है, और उसी कौशल के आधार पर वह अच्छी प्रकार से चीजों को समझ पाता है, और जिस व्यक्ति के अंदर जिस प्रकार का कौशल उसी प्रकार से उसको आमदनी दी जाती है, उसी प्रकार से उसको आय दी जाती है, उसी प्रकार से उसको आमदनी, उसी प्रकार से उसको आय दी जाती है, ठीक ना। इतनी बात आप याद रखिएगा। अब देखिएगा कौशल दो प्रकार के होते हैं, एक तो जैसे ही आपका जन्म हुआ और आप जो आपके पिताजी करते हैं वही कार्य आप करने लगे तो इसको कहा जाता है जन्मजात, और एक उपार्जिता। उपार्जिता का मतलब होता है जन्म होने के बाद जिस कला को आपने सीखा, जन्म होने के बाद जिस कला या जिस कौशल को आपने सीखा उस कौशल को नाम दिया जाता है उपार्जिता। क्या नाम दिया जाता है, उपार्जिता। जन्मजात कौशल हमारे अंदर जन्म से होते हैं, जैसे हंसना, रोना, उठना, बैठना इत्यादि। आप मुझे देख रहे हैं, मेरा नाम गौरव निरंजन है, आप मुझे देख रहे हैं, बुंदेलखंड से मैं बिलोंग करता हूं। अगर मेरे पिताश्री यहां पर आ जाएं तो हूबहू मैं अपने पिताश्री के समान ही लगता हूं, हूबहू मेरी शक्ल मेरे पिताजी के समान ही है, मेरे पिताजी मैं अपने पिताजी के समान ही लगता हूं, यहां तक कि मेरी जो भाषा है, मेरी जो बोली है, जो मेरी आवाज है वो मेरे पिताजी से मिलती है।
कई बार तो अंधेरे में जब मैं चलता हूं तो मेरी जो आंटी जी है, मेरी छोटी माता जी है, वो भ्रमित हो जाती हैं कि यहां पर मैं हूं या उनके जेठ यानी मेरे पिताजी हैं, ठीक ना। क्योंकि मेरी चाल, मेरे बोलने का तरीका, मेरे चलने का तरीका सब कुछ मेरे पिताजी के समान है, और पिताजी के समान मेरा हंसना है, रोना है, उठना है, बैठना है, चलना है, तो ये सब मेरे जन्मजात है, ये मैंने बाहर से नहीं सीखा है। तो ये मेरे किस प्रकार के लक्षण हो जाएंगे, ये मेरा जन्मजात कौशल है, ये मेरा जन्मजात कौशल है। बढ़ई का लड़का, एक कारपेंटर का लड़का अगर जन्म से ही कारपेंटरी का कार्य करने लगता है तो हम कहेंगे वो जन्मजात है। और यदि उसका लड़का बड़ा होकर या छोटे धीरे धीरे वो क्रिकेट खेलता हो, क्रिकेट खेलने के बाद वो विराट कोहली के समान क्रिकेट खेलने लगता है तो हम कहेंगे इसका ये जन्मजात लक्षण नहीं है, जन्मजात लक्षण तो इसका कारपेंटरिंग था, बढ़ई गिरी था, लकड़ी के सामान बनाने का था, लेकिन ये तो क्रिकेट खेल रहा है, तो ये इसने बाहरी समाज से सीखा होगा। कहां से सीखा? बाहरी समाज से सीखा होगा, और बाहरी समाज में किसी ना किसी ने इस खेल के लिए, इस कौशल के लिए इसको क्या किया होगा, शिक्षित किया होगा, इसको शिक्षण दिया होगा, ठीक ना। अब देखिएगा, दोनों बातें समझ ना, कौशल इस वातावरण में मौका मिलने पर सीखते हैं। देखिएगा कौशल क्या है, इस वातावरण में आपको मौका मिलेगा तभी कौशल सीख पाएंगे, तभी आप देखिएगा ये जो पेडागोजी का पोर्शन होता है इसको आप अपने आप पर लागू करिएगा, और अपने आप पर जितना लागू करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदेमंद मिलेगा। ये जितना अपने आप पर लागू करेंगे, आपको अपना समाज देखना है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पर्यावरण पढ़ रहे हैं, और पर्यावरण में आपको अपना समाज ही देखना पड़ता है। अध्यापक को राष्ट्र का निर्माता कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ना केवल वो एक व्यक्ति को देखता है बल्कि वो समाज को देखकर कार्य करता है, और समाज में किस प्रकार की विसंगतियां आ रही हैं या किस प्रकार के लक्षण आ रहे हैं वो व्यक्ति जो है वो समाज से ही सीखता है, ठीक ना। तो कौशल इस वातावरण में मौका मिलने पर ही सीखते हैं, उपार्जित कौशलों को सीखने के लिए हमें अभ्यास करना होता है, और साथ ही साथ किसी दूसरे व्यक्ति से हमें क्या लेनी होती है, शिक्षा लेनी होती है। अगर मैं अपने पिताजी की बात करूं, मैं अपना ही उदाहरण दूंगा बार बार, अगर मैं अपने पिताजी की बात करूं तो मेरे पापा और मेरे अंकल दोनों लोग कृषि संबंधित कार्य करते हैं, खेती करते हैं, ठीक ना। और मैं कृषि नहीं करता हूं बल्कि मैं आपको टीचिंग करता हूं, मैं पढ़ाता हूं, तो ये पढ़ाने का जो गुण है ये मैंने अपने पिताजी से नहीं सीखा है, ये पढ़ाने का गुण है ये मैंने बाहरी वातावरण से सीखा है, बाहरी समाज से सीखा है, मैंने भी किसी ना किसी टीचर से पढ़ा होगा, उनकी बातों को समझा होगा, और उन्हीं की बातों को समझ के आज मैं उन्हीं बातों को आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो ये मेरा गुण जन्मजात नहीं है बल्कि मेरा गुण कैसा है, ये मेरा गुण जो है वो उपार्जित है। अब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, बताइएगा कि एक बालक में जन्मजात गुण होने की संभावना अधिक पाई जाती है या उपार्जित गुण होने की संभावना अधिक पाई जाती है। एक बालक में देखिएगा, आप जो भी प्रश्न बनेंगे यहां से वो एक बालक को बालक के इर्द गिर्द ही बनते हैं, एक बालक के इर्द गिर्द ही बनते हैं। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि एक बालक को, अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि एक बालक का जो कौशल है जन्मजात और कौन सा उपार्जिता, अगर बात करूं कि जन्मजात और उपार्जित कौशलों में से उसके लिए कौन सा लाभकारी होगा और साथ ही साथ उसे किस कौशल से अधिक मात्रा में लाभ होगा, दोनों चीजें हैं, कौन सा उसे प्राप्त होगा और कौन सा बाहरी वातावरण से सीखेगा वो, और साथ ही साथ किससे अधिक मात्रा में उसको लाभ होगा, ठीक ना। तो याद रखिएगा, जन्मजात कौशल से पर्याप्त मात्रा में लाभ नहीं होता है, समाज के माध्यम से सीखे गए कौशल से अधिक मात्रा में लाभ प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पर आप किसी भी, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी भी आप क्रिकेटर या किसी भी आप एक्टर या किसी भी आप राजनेता के पुत्र को देख लीजिएगा और किसी दूसरे व्यक्ति को देख लीजिएगा जो जिसका कार्यक्षेत्र उससे विपरीत होगा, तो देखिएगा जिसका कार्यक्षेत्र उसके कार्यक्षेत्र से, उसके पिताजी के कार्यक्षेत्र से विपरीत होगा वो आगे बढ़ रहा होगा, और जिसका होगा वो अपने पिताजी या अपने पीछे के जो यश है उसके परिवार का, या जो उसके परिवार का कीर्तिमान है, या जो उसके परिवार की एक समाज में जो प्रतिष्ठा है उसके दम पर आगे बढ़ रहा होगा। तो समाज के द्वारा ही हमें सारी चीजें मिलती हैं, समाज के द्वारा ही हमें सारी चीजें मिलती हैं। इसलिए कहा जाता है कि एक बालक का जो प्रथम
क्लास होती है वो समाज होती है, वो किस प्रकार के समाज में रह रहा है, किस प्रकार की बातों को सीख रहा है, ये जानना बहुत आवश्यक होता है, ये जानना बहुत आवश्यक होता है। अगला लिखा है उपार्जित कौशलों को किसके आधार पर सीखा जाता है, जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा आप सीख पाएंगे। आपको कोई भाषा सीखनी है, आपको संगीत सीखना है, आपको कोई खेल सीखना है, आपको वाहन चलाना सीखना है, तो इसके लिए आपको अधिक मात्रा में अभ्यास करना पड़ेगा, जबकि जन्मजात कौशल के लिए आपको किसी भी प्रकार के अभ्यास करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। किसी भी प्रकार के कोई भी अभ्यास को करने की आवश्यकता नहीं होती है। कब? जन्मजात कौशल में। कोई भी कौशल किसी खास वर्ग या लिंग से निर्धारित नहीं होता है। आप ये नहीं कह सकते कि एक लड़की ही, या आप ये नहीं कह सकते हैं कि एक लड़का ही क्रिकेट खेल सकता, नहीं, लड़कियां भी क्रिकेट खेल सकती हैं, वो बात अलग है कि हमारी महिला टीम वर्ल्ड कप हार गई, लेकिन लड़कियां भी प्रत्येक क्षेत्र में है। यानी कौशल का निर्धारण हम लिंग के आधार पर नहीं कर सकते, कौशल का निर्धारण हम लिंग के आधार पर नहीं कर सकते। यहां पर यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी कौशल किसी खास वर्ग या लिंग से निर्धारित नहीं है, ना तो हम लिंग से निर्धारित कर सकते हैं और ना ही हम किसी वर्ग से निर्धारित कर सकते हैं कि यह ब्राह्मण है, कि क्षत्रिय है, कि शूद्र है, कि वैश्य है, कौन से वर्ग से है, तो इसका कोई भी यहां पर कौशल से संबंध नहीं होता है। किसी वर्ग या लिंग का व्यक्ति कोई भी कौशल अभ्यास के बाद सीख सकती है या सीख सकता है। किसी भी वर्ग या लिंग का व्यक्ति रोता भी है, हंसता भी है, उठता है, बैठता भी है, ठीक ना। इसी प्रकार किसी भी वर्ग या लिंग वाहन को चला सकता है, कोई भी कार्य कर सकता है। कहने का केवल एक मतलब है कि हम लिंग और वर्ग के आधार पर कौशल का विभाजन नहीं कर सकते। तो किस आधार पर कर सकते हैं? अगर हम लिंग और वर्ग के आधार पर कौशल का विभाजन नहीं कर सकते हैं तो किस आधार पर कर सकते हैं? तो हम जो वर्गीकरण है वो कौशल का, वो वर्गीकरण किस आधार पर कर सकते हैं? उसकी रुचि के आधार पर। किसके आधार पर? उसकी रुचि के आधार पर। किस आधार पर कर सकते हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है मैंने आपको, रुचि के आधार पर ही हम किसी भी प्रकार, किसी भी व्यक्ति के कौशल का निर्धारण कर सकते हैं, ठीक ना। मैं हूं अभी होली में घर गया था, अपने खेतीबाड़ी का काम हो रहा था, मैं चाह रहा था कि मैं खेत पर जाऊं, मेरी रुचि हो रही थी लेकिन मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा था। एक दिन मैं अपने खेत पर हार्वेस्टिंग कराने गया मटर की, और उसी दिन मुझे फीवर हो गया। क्या अगले दिन मेरा मन करेगा खेत पर जाने को? नहीं करेगा। मैं काम भी नहीं कर पा रहा हूं, ना तो मैं काम कर रहा हूं, बल्कि जब मुझे फीवर आएगा तो मेरे घर वाले भी व्याकुल होंगे, अनावश्यक पैसा भी जाएगा। तो जो काम जिसके लिए आप रुचि नहीं है, आप वो कार्य नहीं कर सकते। तो कौशल का निर्धारण किसी लिंग या वर्ग के आधार पर नहीं किया जा सकता, बल्कि कौशल का निर्धारण रुचि के आधार पर किया जा सकता। किसके आधार पर? रुचि के आधार पर उसका आकलन हम कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए ठीक ना। तो आज का ये टॉपिक हुआ है, ठीक ना। तो आज के टॉपिक में हमने पर्यावरणीय, आपको जो पर्यावरणीय शिक्षा है उससे संबंधित पेडागोजी का पोर्शन पढ़ाया। इसी के आगे नेक्स्ट आपको पोर्शन इसके आगे मिलते रहेंगे। वीडियो को प्लीज अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिएगा। मैंने कभी भी अपने वीडियो को शेयर करने के लिए नहीं कहा है, इस वीडियो को मैं शेयर करने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर देख लीजिएगा, आप किसी भी संस्थान में देख लीजिएगा, सीटैट के नाम पर आपको हमेशा ठगा ही जाता है, सीटैट के नाम पर हमेशा आपको ठगा ही जाता है। तो ठगने से बचिएगा, बाहर की बातों से बचिएगा, किसी के भटकाव में मत आइएगा। जब आपको अभी तक देखिएगा, आप देखते हैं हमारे एक प्रमोशन में अपने नंबर देते हैं, अभी तक हमने इसलिए नंबर नहीं दिया क्योंकि पहले आप हमें समझ लीजिएगा कि हम अपनी बातों पर सीटेट के सिलेबस पर खरे उतर पा रहे हैं या खरे नहीं उतर पा रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।